ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर की बस की बात है ही नहीं। We have to get this stop. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कॉल? क्या इमरान हाशमी के करियर को मिलेगा बूस्ट? क्या टाइगर 3 का साउंडट्रैक होगा कमाल का? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां हमें हर किसी एक्टर के लिए कोई ना कोई अलग किस्म का रोल देखने को मिल सकता है, और शायद ऐसे ही रोल्स की वजह से हर एक्टर को एक मौका मिल जाता है अपने लिए एक अलग पहचान बनाने का। जहां एक तरफ अजय देवगन ने ना जाने कितनी बार एक पुलिस वाले के किरदार को निभाकर खुद को एक वर्दी वाले के रोल के लिए सेट कर लिया है, अब कुछ ऐसा ही सेट किरदार है हमारे इमरान हाशमी का भी। इमरान हाशमी को अक्सर हमने रोमांटिक फिल्मों के लिए देखा है, लेकिन अब इमरान हाशमी अपने करियर को अलग ट्रैक पर लाने के लिए तैयार हैं। फिल्म द डर्टी पिक्चर के बाद बतौर हीरो एक हिट फिल्म की राह तक रहे अभिनेता इमरान हाशमी के बारे में खबर है कि वो अब विलन बनने जा रहे हैं। 41 साल के हो चुके इमरान हाशमी का बतौर हीरो करियर पिछले एक दशक से डावाडोल हो रहा है। उनके खाते में आखिरी सुपरहिट फिल्म द डर्टी पिक्चर रही है, जो साल 2011 में रिलीज हुई थी। इसके बाद वो लगातार एवरेज, कामयाब या फ्लॉप फिल्में ही करते रहे हैं। हालांकि इस बीच हमारी अधूरी कहानी, अजहर और बादशाहो जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को काफ़ी तारीफें हुई। इमरान की सोलो हीरो के तौर पर फेस वैल्यू बॉक्स ऑफिस पर लगातार घटती जा रही है, लेकिन अब लगता है कि वो एक विलन के तौर पर अपने करियर को बूस्ट देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में इमरान हाशमी को विलन के रोल में एक्सेप्ट कर लिया गया है। फैंस खुशी से झूम उठे हैं। अब फिल्म टाइगर 3 में इमरान हाशमी दिखने वाले हैं तो एक और बात तय है कि इस फिल्म का साउंड ट्रैक भी लाजवाब होने वाला है। हम अगर टाइगर फ्रेंचाइजी की बात करें तो इस फ्रेंचाइजी में हमें अब तक मशाल्ला, सैयारा, दिल दिया गलना और स्वैग से स्वागत जैसे हिट गाने दिए हैं, और इमरान हाशमी की फिल्मों के गाने अक्सर फैंस के फेवरेट हो जाते हैं। उनकी फिल्मों के गाने जैसे कि अगर तुम मिल जाओ, तू ही मेरा, तेरा दीदार अभी तक बॉलीवुड के सबसे सोलफुल गानों में से एक माने जाते हैं। ऐसे में इमरान हाशमी की फिल्मों में ना जाने क्यों लेकिन अक्सर एक अमेजिंग प्लेलिस्ट देखी जाती है। और अब हम टाइगर 3 से भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाज़त, तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।